अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन अल यूसुफ अकेडमी। चैप्टर नंबर 5.6 एक्सरसाइज चल रही है, फैक्टराइजेशन। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है मल्टीप्लेक्शन का, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 × 1 = 3, और यहाँ पर आया आपका एक्स स्क्वायर y, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आया आपका 5, और ये हुआ एक्स स्क्वायर और z। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस प्लस प्लस, और 9 × 5 = 45, यहाँ पे y स्क्वायर, और ये आपका z, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और 9 × 9 ही आएगा, और ये आ गया आपका x और y स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस प्लस प्लस, और 25 × 25 ही आएगा, और एक्स जेड स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया आपका 25 × 3 = 75, और वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन के लिए हमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है। अरेंजमेंट हम क्या करेंगे, जो पिछली वीडियो में किया है हमने, 1 2 3 4, ये वाला स्टेप जो यहाँ ले लेंगे, इससे हमारा कॉमन इजीली आ जाता है, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद बाकी जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे, 5 एक्स स्क्वायर जेड प्लस 45 वाई स्क्वायर z, ये चला गया था वहाँ पर, प्लस 25 xz स्क्वायर माइनस 75 y और z स्क्वायर। अब यहाँ पर आते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या, हमारा 3 कॉमन है दोनों में, तो हमने 3 ले लिया, और यहाँ पे x कॉमन है, हमने x ले लिया, फिर यहाँ पे y कॉमन है। अब हमारे पास अंदर बचा, ये देखें x बचा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 3 बचा, 3 × 3 = 9, और यहाँ पे y बचा। अब यहाँ पर आपके आ जाएगा माइनस, 5 कॉमन है, और यहाँ पर आपके पास z कॉमन है, तो z आ गया। अंदर आपके पास बचा, यहाँ पर बचा आपके पास x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपके पास बचा 9 × 45, और यहाँ पे आपके पास बचा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या है, 25 प्लस का 25 कॉमन है, और जेड स्क्वायर जो है वो बेसिकली कॉमन है, तो हम जेड स्क्वायर को भी बाहर रख लेंगे। तो अंदर बचा एक्स माइनस 25 × 3 = 75, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और वाई, ठीक है। एक स्टेप और करते हैं, 3xy, एक्स माइनस 3y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके आ जाएगा बेसिकली माइनस 5z, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लेंगे, और 9 × 3 हो जाएगा। एक बार प्लस में कर लेते हैं और एक बार माइनस में कर लेते हैं, और ये वैसे ही आएगा 25z स्क्वायर एक्स माइनस 3y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, अब क्या करेंगे, हम इनमें से ये कॉमन ले लेंगे। ये देखें इस सेम आ रहा है एक्स 3y, ठीक है। उसके बाद फिर एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के बाद 3xy माइनस 5z, माइनस में चला गया था तो प्लस में रह गया खाली, प्लस 3y, उसके बाद प्लस 25z स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एक्स माइनस 3y। अब यहाँ पर थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे, देखिए 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे फिर कर लेंगे, ठीक है। 3xy
और 5 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 एक्स जेड प्लस माइनस माइनस 5 थ्री द 15 और उसके बाद 25 जेड स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट ऑफ। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 वाई। अब यहाँ पे थोड़ी सी अरेंजमेंट ये करेंगे क्योंकि कॉमन हमारे पास बेसिकली ये 15 में 15 और 3 साथ रखेंगे तो कॉमन हो जाएगा। ये देखें माइनस 15 y z 5 x z प्लस 25। ये हमने अरेंजमेंट इसलिए की है ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो हमें, ठीक है। अब यहाँ देखें 3 और 5 का कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है। एक कर्ली ब्रैकेट लगा दें, 3 बाहर आया और दोनों में y कॉमन है तो y भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x 3 5 था 15, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 5, y चला गया था तो z बचा। यहाँ पर क्या कॉमन है, 5 5 बाहर आ गया और दोनों में z कॉमन है तो z भी बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, x प्लस माइनस माइनस और 5 5 था 25 और यहाँ पे बचा 1 जेड, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर दें। उसके बाद यहाँ देखें एक्स माइनस 3 वाई और ये 3 वाई माइनस 5 जेड और ये दोनों सेम है, एक्स माइनस 5 जेड और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।